भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले से पहले ग्लेन मैक्सवेल ने भारतीय टीम की न सिर्फ आलोचना करी बल्कि भविष्यवाणी करते हुए उन्होंने साफ तौर पर ऑस्ट्रेलियाई टीम को इस महा मुकाबले का विजेता बता दिया। लेकिन भारतीय टीम का यह अपमान सूर्य कुमार यादव बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने मुंहतोड़ जवाब देते हुए कुछ ऐसा कहा कि दिल ही जीत लिया। द ओवल के मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला 7 जून से शुरू हो जाएगा। तमाम क्रिकेट के दिग्गज दोनों के बीच होने वाले इस महा मुकाबले के लिए अपनी अपनी भविष्यवाणियां कर चुके हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल ने भी इस बीच अपनी प्रतिक्रिया रखी। मैक्सवेल ने कहा, यह मुकाबला ऑस्ट्रेलियाई टीम का होने वाला है क्योंकि भारतीय टीम के रिकॉर्ड्स अपनी सरजमी पर ही बेहतर होते हैं। बाहर की पिचों पर उनके खिलाड़ी ना तो इतना अच्छा खेल दिखा पाते हैं, ना ही उनके पास इतनी काबिलियत है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे खतरनाक बॉलिंग अटैक जिसमें मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और पैटक मिंस शामिल है, उनका सामना कर पाए। मैक्सवेल ने कहा, घरेलू क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में फर्क होता है। भारतीय टीम को हमारी टीम आसानी से इस मुकाबले में धूल चटा देगी और साल 2021 के बाद दूसरी बार भारतीय टीम का सपना टूटेगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीतने का। वहीं इसका पलटवार करते हुए सूर्य कुमार यादव ने कहा, यह तो मैक्सवेल को वक्त बताएगा कौन किसका सामना कर पाता है। सूर्य कुमार यादव ने कहा कि इस तरह से घमंड करना मैक्सवेल और उनकी टीम को कहीं भारी ना पड़ जाए, क्योंकि हमने जिस तरह से पैटर्न करी है और अपना खेल दिखाया है, मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के ऊपर तो यशस्वी जायसवाल जैसा युवा खिलाड़ी ही भारी पड़ने वाला है, जो कि काफी ज्यादा उग्र नजर आता है। हमारी टीम के पास गेंदबाजी भी अच्छी है, मोहम्मद शमी और सिराज दोनों ही काफी ज्यादा खतरनाक फॉर्म से जूझ रहे हैं, बल्लेबाजी में भी एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। ऑस्ट्रेलिया की टीम के घमंड को हम मैदान में जरूर तोड़ेंगे और इस बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला हमारी टीम ही जीतेगी, चाहे कंगारू अपनी एड़ी से चोटी तक का जोर ही क्यों न लगा ले। इस तरह से सूर्या ने मैक्सवेल को मुंहतोड़ जवाब दिया। वैसे आप सभी को क्या लगता है, कौन सी टीम फाइनल मुकाबला जीतेगी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।